हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम फोकस करेंगे पॉइंट पर. पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस. तो ये जो टर्म्स हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे डिफाइंड है, या मैं ये कहूं इज द इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर ज्योमेट्री. ओके, ध्यान से समझिए क्या है पॉइंट. पॉइंट को अगर समझा जाए तो मैं ये कहूं कि ज्योमेट्री की सबसे बेसिक यूनिट ही पॉइंट है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. ओके, मुझे ये बताइए, लाइफ की सबसे बड़े छोटी यूनिट क्या है? लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है सेल. सेल से ही सारी चीजें बनी है. लाइक हम सब जितनी भी जीवित चीजें हैं वो सभी की सभी सेल से बनी है. इन द सेम वे मैं अगर ये कह सकता हूं कि ज्योमेट्री की जो सबसे छोटी यूनिट है वो पॉइंट है. ये पॉइंट है हम जानते हैं, ये पॉइंट है हम जानते हैं. एंड अगर मैं इसे सिस्टमेटिकली डिफाइन करूं तो मैं ये कहूंगा, क्या पॉइंट में लेंथ होती है, क्या ब्रेथ होती है, थिकनेस होती है, शेप एंड साइज होता है क्या? तो साफ सी बात है कि कुछ भी नहीं होता पॉइंट में. पॉइंट में ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही थिकनेस होती है, ना ही शेप एंड साइज होता है. लेकिन पॉइंट की एक डेफिनेट पोजीशन होती है. पॉइंट से ही मिलके सब कुछ बना है. पॉइंट की एक डेफिनेट पोजीशन होती है. ओके, मैं ये कहता हूं कि पॉइंट की डेफिनेट पोजीशन, पॉइंट पोजीशन को फिक्स करता है. पॉइंट पोजीशन को फिक्स करता है. ओके, नाउ फोकस करिए कि ये मेरे लाइक मेरे पास ये पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट है इसका नाम दे दिया जाए ए. लाइक ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है. पॉइंट की एक पोजीशन होती है. पॉइंट में कोई लेंथ नहीं होती, पॉइंट में कोई ब्रेथ नहीं होती, थिकनेस नहीं होती, शेप एंड साइज भी नहीं होता. तो पॉइंट के बारे में थोड़ा सा मुझे समझ में आ गया. ओके, लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो नाउ फोकस हियर. लाइन क्या है? लाइन जैसे मैं दो पॉइंट को फिक्स करता हूं और मैंने क्या किया, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. पॉइंट से मिलके लाइन बनी है. आप ऐसे मान के चलिए पॉइंट से मिलके पॉइंट अलाइन कर दिए तो ये लाइन बन गई. और लाइन का जो यूज होता है, लाइक यहां से लेके यहां तक ये मेरे पास लाइन बनी, आगे भी जा सकती है. ठीक है ना? लाइन, लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो लाइन क्या है कि एंडलेस है. बहुत सारे पॉइंट्स पूरे. एंड लाइन की करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली यूनिक लाइन होती है. दो पॉइंट अगर ये मैं फिक्स कर रहा हूं तो इनको ज्वाइन करने वाली यही, बस यही एक लाइन होगी जो कि यूनिक है. ओके, लेट मेरे पास ये ए और बी पॉइंट है और मैं अगर ए एंड सी को ज्वाइन कर रहा हूं, मान लो मेरे पास सी तीसरा पॉइंट है, तो ए एंड सी को ज्वाइन करने वाली ये यूनिक लाइन होगी. ठीक है ना? दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक यूनिक लाइन होती है. लाइक मेरे पास ये डी है तो सी और डी को ज्वाइन करने वाली एक यूनिक लाइन होगी. ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट जैसा कि क्लियर है कि लाइन का पार्ट है. मान लो ये मेरे पास लाइन तो माइनस इनफिनिट से इनफिनिट तक पूरी लेंथ की होती है. मैंने इसका एक पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया, तो ये क्या लाइन सेगमेंट है. इतना पार्ट ले लिया मैंने, एक लाइन सेगमेंट ये ले लिया. ओके, रे एक वर्ड आता है. रे, रे क्या रहती है? लेट मैंने ये फिक्स कर दिया और ये इवन साइडेड है. लाइक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे इसे फिक्स किया और ये मैंने, ये रे हो गई मेरे पास. ठीक है ना? रे एक वन साइडेड इनफिनिट तक जा रही है, वो रे है. और लाइन सेगमेंट दोनों तरफ एंड पॉइंट है मेरे पास, फिक्स हो गया है लाइन सेगमेंट. लाइन इधर भी इनफिनिट तक जा सकती है, इधर भी इनफिनिट तक जा सकती है. एंड दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन यूनिक होती है, ये मैं समझ चुका हूं. ओके, नाउ फोकस हियर कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनके बारे में भी हम बात करेंगे. उससे पहले यहां पर एक और बात समझिए. लाइन सेगमेंट में भी मैं आगे की क्लासेस में आपको ये हेल्पफुल रहेगा. कुछ सेगमेंट ऐसे होंगे कि लाइक मैंने तीन तरह के सेगमेंट बनाए. ये बनाया, सेम यही बनाया है, सेम यही बनाया. एक ऐसा लाइन सेगमेंट हो सकता है इसके एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड ना हो. इन दोनों पॉइंट्स को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं. ठीक है ना?
एक ऐसा पॉइंट हो सकता है कि ये एंड पॉइंट तो मेरे काम का नहीं है और ये वाला एंड पॉइंट मेरे काम का है। एंड पॉइंट है ना सेगमेंट का, ये अंत वाला जो पॉइंट है, बिंदु है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है मेरे पास कि एंड के पॉइंट ये काम के नहीं है लेकिन इनके बीच के सभी पॉइंट्स क्या हैं, काम के हैं। तो ये बात दिमाग में रखनी है कि लाइन सेगमेंट के ये मैं कैटेगरी कर सकता हूं, मेनली अभी इसी पर फोकस करना है, लाइन का ये पार्ट है। ओके, अनदर थिंग कि रे में भी समटाइम्स ऐसा भी मैं ले सकता हूं कि एंड पॉइंट ये जो पॉइंट है इससे आगे के सभी काम के हैं और इन पॉइंट तक काम के हैं लेकिन ये पॉइंट काम का नहीं है और ये पॉइंट काम का है। इनफैक्ट अभी आपको इस लेवल पे इनिशियली ये समझना है लाइन सेगमेंट ये वाला मीनिंग निकाल के चलना है एंड रे का ये मीनिंग निकाल के चलना है। ओके क्लियर, नाउ फोकस हियर, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस लाइक जो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स होती है, ये हमें स्ट्राइक करता है। और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये डिस्टेंस फिक्स होती है, ये L1 है मेरे पास, ये L2 है। तो अगर लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर फिक्स है तो वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, और पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, एक पॉइंट पर कट कर रही है। लाइक ये मेरे पास ये L1 है लाइन, ये L2 है और ये दोनों की दोनों लाइंस एक पॉइंट पर कट कर रही है। ओके नाउ फोकस हियर, जनरली हमें ये स्ट्राइक करता है कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये प्लेनर के लिए है, ध्यान से समझना। इनफैक्ट एक और कैटेगरी होती है जो आपको समझनी चाहिए, ये दो लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग है और ये मैं आपको विजुलाइज करके समझा सकता हूँ। लेट मेरे पास एक लाइन ये है और ये दूसरी लाइन ये, दोनों की दोनों ये लाइंस हैं, ऐसे जा रही हैं लेकिन इंटरसेक्टिंग नहीं है, नॉन कोप्लेनर लाइंस लाइक दैट। आप ऐसे मान सकते हैं, एक पेन आपके पास, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग नहीं है लेकिन ये इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। ओके ये दो पेन है मेरे पास, एक ये लाइन है, एक लाइन है ये है और ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग हो गई लाइंस लेकिन ये इंटरसेक्टिंग नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, थोड़ा अलग अलग प्लेन में आ गई। तो आप क्योंकि ढंग से समझ रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, तो लाइंस को मैं कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग नहीं है, दो तरह की हो सकती है, पैरेलल और नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में ही नहीं है भाई, एक प्लेन में नहीं है। लाइक दैट आप ये देखें कि रूम में देखें तो रूम में एक दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन है वो लाइन है। ओके एंड वैसे मुझे लगता है ये क्लियर ही है कि ये अगर मैं इसकी डिस्टेंस ऊपर उठा दूंगा थोड़ी सी, जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसको ऊपर उठा दूंगा तो ये नॉन कोप्लेनर हो गए, दो लाइंस हैं लेकिन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बात समझ आ गई। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका है, ढंग से समझ में आ गया है और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। पॉइंट पॉइंट से मिलके क्या बनती है, अब मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। पॉइंट है, पॉइंट से मिलके दो पॉइंट को अगर मैं मिला दूंगा तो मेरे पास लाइन बन गई। लाइन का एक पार्ट क्या है, रे है, एक लाइन सेगमेंट है, इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन कोप्लेनर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ओके इसके अलावा सर्किल भी पॉइंट से बनेगा, आगे आप देखेंगे। लाइन से लाइन को रोटेट कर दिया तो भी सर्किल बन जाएगा, इसके अलावा ट्राइंगल भी पॉइंट से बनेगा। तो ज्योमेट्री का ये बेसिक था, एकदम बेसिक मैंने यहां पर बताया है कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है। ओके क्लियर, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, हमेशा ध्यान रखना पॉइंट में क्या लंबाई होती है, लेंथ होती है, नहीं होती, ब्रेथ होती है, नहीं होती, थिकनेस होती है, नहीं होती, शेप एंड साइज कुछ नहीं है भाई, लेकिन डेफिनेट पोजीशन होती है। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन फिक्स होती है, लाइन का एक साइड इनफिनिट तक जाए और एक साइड फिक्स कर दें तो वो रे है, एंड दोनों साइड फिक्स कर दें, लाइन का एक पार्ट ले लें तो वो लाइन सेगमेंट है, लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग में दो कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है, एक पैरेलल और नॉन कोप्लेनर, इस टाइप से मैंने आपको बताया। तो ये इंट्रोडक्टरी था और मुझे लगता है ये क्लियर हो गया है और यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। ओके आगे एंगल एंड और भी कंसेप्ट में बेसिक टर्म्स लूंगा। ओके